yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. माई चैनल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शाम का टाइम हो रहा है, 5:15 बज गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं। आज डे 3 है और हम लोग निकल रहे हैं आज स्नो वर्ल्ड के लिए। सो आपको लेके चलते हैं स्नो वर्ल्ड। और मुंबई में अगर आप आए हैं तो स्नो वर्ल्ड जरूर घूमिएगा। अगर आप गर्मी वाले एरिए से आए हैं तो आपको ऐसी जगह जाना चाहिए। तो मुंबई में है बहुत ज्यादा गर्मी और हम आपको लेके चलने वाले हैं स्नो वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत ठंडी होगी। है ना व्यू, तैयार हो स्नो वर्ल्ड जाने के लिए? तो चलो फिर सब लोग चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं, घर बैठे आपको स्नो वर्ल्ड घुमाते हैं। तैयार? चलो फिर स्नो वर्ल्ड चलते हैं। लिपस्टिक लगाई है, कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट करके। गाइज, हम लोग घर से निकले ही थे कि हमारी गाड़ी में थोड़ी सी हवा कम थी और हमने देखा हवा कम है तो हम लोग गए, हवा डलवा लिए हैं कार में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अभी फिर से कार की जो हवा है वो निकल रही है। चलिए तो देखते हैं कि क्या करना है। जा तो रहे थे हम लोग स्नो वर्ल्ड, लेकिन अब देखना पड़ेगा, शायद पहले हमें अपनी स्टेपनी चेंज करवानी है या फिर गाड़ी को मतलब ठीक करवाना है कार को। तो लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज, अभी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं टायर यहाँ पे जो बनाते हैं उनके पास। तो वो बोल रहे हैं कि हमारा टायर जो है वो पंचर है। बट ये कैसे हुआ, किसने किया, कुछ नहीं पता, क्योंकि कल हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। हम लोग कार से ही कल गए थे बाहर और फिल्म सिटी तक होकर के आए, सब कुछ ठीक ऐसा है। तो अभी देखते हैं, शायद हमारे पास जो स्टेपनी है वही चेंज कर देंगे वो भैया, और फिर उसके बाद वो टायर हम लोग रिपेयर के लिए देंगे। वर्मा जी बता रहे हैं टायर में कील घुस गई है। अभी यहाँ पे 227.53। हाँ जी भाई, हाँ अभी दिखा रहा है, टायर प्रेशर तो दिखा रहा है। निकल गया तो कल आऊंगा दोबारा। सो गाइस, टायर का पंचर तो बन गया। चार पंचर थे क्यों वर्मा जी? चार पंचर के पता नहीं, समझ नहीं आया, मैं तो इतनी चलाता मेरी गाड़ी। हाँ, कल हम लोग जब गए थे तो कल बिल्कुल ठीक थी हमारी कार और हम लोग ने ठीक ठाक खड़ी करी, उसमें चार पंचर निकले। चार पंचर के कितने रुपए हुए? 600 रुपए उन्होंने मांगे, 600 रुपए चार पंचर के। आप लोग बताइएगा पंचर के क्या रेट है। वर्मा जी कह रहे हैं 50 रुपए लगते हैं हमारे वहाँ। हाँ करो, 150 लेते हैं। 150 रुपए पर पंचर बोल रहे थे वो। यहाँ पे देखिए कुछ तो हो गया है, ये शायद ऑटो जो है वो थोड़ा गिर गया, पलट गया, ये ऑटो वाला उछल गया था भाई वो। अच्छा, मैं देख नहीं पाई थी। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फिनिक्स मॉल के लिए, कुरला में है। तो देखते हैं कि अभी हमें एरोप्लेन जा रहा है, अभी उसी ग्लास बंद करी आवाज आ रही है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं स्नो वर्ल्ड के लिए फिनिक्स मॉल। तो देखते हैं आज स्नो वर्ल्ड मिलता है कि नहीं मिलता है।
गाइस यहाँ पे हमारा 223 से स्टार्ट हुआ था, अभी 217 हो गया है फिर से। ये देखिए, ये है टायर का जो हवा की वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रही है पंचर लगाने के बाद में, चार पंचर लगाने के बाद में। सो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस 7:03 हो गए हैं और अब हम लोग पहुंचे हैं फिनिक्स मॉल, मतलब अभी आ गया है, अंदर नहीं गए हैं, तो चलते हैं अंदर। तो ये देखिए, यहाँ पे सामने मुझे चंद्रमा दिखाई दे रहा था, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर चंद्रमा है। तो मैं उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी बट मेरा कैमरा इतना अच्छे से उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। सामने अरे हम फिनिक्स आए थे क्या वहाँ से? हाँ। शिप से पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर रहे हैं पार्किंग एरिया में। स्नो वर्ल्ड का टिकट तो ले लीजिए, तो पहले हम लोग टिकट ले लेते हैं फिर चलते हैं। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your work. सिर्फ कैश और कार्ड चलता है? हाँ, 8:30 9:00 की एंट्री, 8:45। अच्छा। कस्टमर नेम? कस्टमर नेम। तो यहाँ पे हमारी टिकट जो है वो मिल गई है, क्या हुआ? वीकेंड पे 700 रुपीज़ की टिकट है एंड इफ यू टेक ऑन अदर देन वीकेंड देन इट इज 600 रुपीज़, सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। मतलब सैटरडे संडे आप आते हैं तो आपको 700 रुपीज़ का टिकट मिलेगा एंड आप जब वीक डेज में आते हैं तो आपको 600 का टिकट मिलेगा। तो चलो, अभी हमें 8:45 का शो मिला है तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले पेट पूजा करने, क्योंकि फिर हो जाएगा लेट। POP से इधर देखना, ये क्या है? ये लग रहा है नीचे कोई ट्री का सेक्शन यहाँ पे है। चलो पकड़ लिया ना आपकी बार। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life... अभी हमारे पास आधे घंटे का टाइम और है तो हम पिंकू को लेके जा रहे हैं पहले हैप्पी प्लैनेट, यानी कि फन जोन जहाँ पे बच्चे प्ले कर सकते हैं। चलो ये
तो अभी हमारे पास आधे घंटे का टाइम है, तो यहाँ पे मैं हम लोग पीहू को लेकर के आ गए हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गेम खेलते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो पीहू भी यहाँ पे देख रही है और वो अपना प्ले कर रही थी, मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रही थी उसको। हमने दो एक्टिविटी करवाई है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं था, हमें निकलना था। हमारा जो शो है वो 8:45 का था, सो हम उसे मिस भी नहीं करना चाहते थे। और मैं बहुत एक्साइटेड थी स्नो वर्ल्ड जाने के लिए। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं अंदर, पूरा ब्लॉग देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, अभी टाइम हो गया है हमारा, 8:45 का टाइम था, 40 हो चुका है। चलो भाई जल्दी से अपने स्नो वर्ल्ड के अंदर चलते हैं, 45 मिनट्स का हमारा शो। कैसा लग रहा है अंदर जाने के लिए? आप बताओ यार, यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड। हाँ, कश्मीर नहीं गए तो क्या हुआ, आज हम मुंबई को ही कश्मीर बना देंगे, है ना? तो चलो फिर कश्मीर चलते हैं। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put... सो गाइज़, यहीं पे आपको जैकेट, शूज़ और ग्लव्स वगैरह सब मिलते हैं। और आपको सॉक्स अगर आप अपनी लेके रखते हैं तो अच्छा है, वरना आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ की सॉक्स लेनी पड़ती है। तो मुझे रेड दो ना, हम दोनों को एक जैसा दो, और बच्चे का। चलो चलो, थैंक यू। पीहू के शूज़ का है, ग्लव्स भी तो लेने हैं। 58 नंबर में हमने अपनी स्लीपर्स को रख दिया है। गाइस, हम लोगों ने चेंज कर लिया है, जैकेट, ग्लव्स मैंने पॉकेट में रखे हैं क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, और शूज़ भी मैंने पहन लिए हैं। पीहू भी तैयार है, वर्मा जी भी तैयार है। और ये अगर, हाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप सॉक्स नहीं पहन के आते हैं या लेके आते हैं तो आपको सॉक्स यहाँ से 50 रुपीज़ लेना पड़ता है, 50 रुपीज़ में पर हेड सॉक्स लेनी होती है, बट मुझे पड़ता था तो मैं लेकर के आई हूँ। नीचे देख के चलो, हम लोग ने अंदर एंटर कर दिया है और यहाँ बहुत ठंडा है। पीहू ठंडा है? सो गाइज, ये देखिए हम लोग अंदर आ चुके हैं और पीहू भी बहुत एक्साइटेड थी, बट बाद में उसको बहुत ठंडी लगने लगी थी। वैसे ठंडा था यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल, मतलब मेंटेन कर रखा है। और ये देखिए यहाँ पे पीहू को उसके डैडी स्लेज गाड़ी जो है वो चलवा रहे थे तब। और मुझे याद आ रहा था जब हम लोग कश्मीर गए थे तो इसी तरह हम लोगों ने स्लेज गाड़ी चलाई थी। मतलब कश्मीर की बात अलग है, वो तो मतलब रियल ब्यूटी है, बट इन्होंने भी काफ़ी एफर्ट दिखाया है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है। वर्मा जी मुझे बिठा करके खींच रहे थे स्लेज पे, तो कोई था नहीं वीडियो बनाने वाला, सो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लिया है। और अभी ये देखिए यहाँ पे ऊपर से ये लोग जा रहे हैं स्लाइड करने के लिए, सो ये भी एक अच्छा इन्होंने बना रखा था यहाँ पे करने के लिए, अच्छा लग रहा था। सो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। कश्मीर तो नहीं गए, बट हाँ कश्मीर जैसा फील ज़रूर आ गया, गर्मी में ठंडी का एहसास हो गया, यहाँ पर मुंबई में रह कर के ही कश्मीर वाली फीलिंग्स आ गई। तो वर्मा जी लेकर के आ गए तो मुझे अच्छा लगा। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the...
तो वर्मा जी नीचे आ चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ ऊपर से स्लाइड करने के लिए। चलिए चलते हैं। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से और मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं तो हर चीज़ में इंजॉय कर लेती हूँ, मगर वर्मा जी और थोड़े से पीहू जो हैं वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे थे। उन लोग को ठंड ज़्यादा लग रही थी। क्यों, क्या कहना है आपको? ठंड ज़्यादा लग रही थी भाई, जो जहाज़ का आदमी होगा ना वो कभी नहीं आएगा। क्यों? इट इज़ जस्ट लाइक गोइंग इनटू द डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर, ओके। तो ठंड तो में हमेशा जाते रहते हैं और मतलब इतना कुछ हमें अपीलिंग नहीं लगता। हम तो रेगुलरली जाते हैं, हर रोज ही जाना होता है हमारा। हाँ, तो डीप फ्रीजर में, तो डीप फ्रीजर के अंदर आप खुद को नॉर्मल पीपल तो नहीं जाते ना जहाज में। कश्मीर जैसा या ठंडी हो जैसा तो आपको लगेगा नहीं, ये बात तो पक्की है। लगेगा लगेगा गाइस, अच्छा है ये, तो मैं बुरा नहीं कहूँगी, ये अच्छा है। आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आपको ज़रूर आना चाहिए, स्नो वर्ल्ड में घूमना चाहिए और एक चांस तो ज़रूर देनी चाहिए। बस ये है कि सैटरडे संडे आप आते हैं तो 700 का आपका टिकट होता है, अगर आप वीक डेज में आते हैं तो आपका 600 में काम चल जाएगा पर टिकट। और सॉक्स अपनी खुद लेकर के आनी होगी, वरना आपको सॉक्स के भी 50 रुपीज़ देने होंगे। कार जो है पार्किंग में रुकी थी, उसके 70 रुपीज़ हैं यहाँ पे हो रही है। ये यहाँ पे दिया जा रहा है 70 रुपीज़, ये लिखा हुआ है 4 व्हीलर 70 रुपीज़। चलो हमारा घर आने वाला है और अब इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, स्नो वर्ल्ड कैसा लगा? और अच्छा है, मतलब ये आई थिंक सेकंड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे है, मेरे को नहीं पता मुंबई का। कुछ लोगों ने इसमें, मैंने देखा था यूट्यूब पे, थर्ड नंबर नहीं, कुछ लोगों ने फर्स्ट नंबर बोल रखा है, कुछ लोगों ने सेकंड नंबर पे बोल रखा है। लार्जेस्ट जो है, एक तो है नवी मुंबई में और एक ये कुर्ला में है। तो हम लोगों ने अपने घर के पास कुर्ला वाला ही जाने के लिए सोचा और अच्छा लगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो चलो आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके बता देना। चलो बाय बाय, गुड नाइट।